करण बॉलीवुड के स्पेशल रिकैप एपिसोड में हम आज अवार्ड करेंगे वर्स्ट ऑफ 2006 को, तो तैयार हो जाइए वर्स्ट ऑफ 2006 अवार्ड के लिए। हमारी सबसे पहली कैटेगरी है वर्स्ट नखराज ऑफ द ईयर। हमारी इस कैटेगरी के लिए काफी कंपटीशन था। कोचिन में फौज में मौज नाम की फिल्म के दौरान मलिका शेरावत ने शूट करने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें 5-स्टार होटल में नहीं ठहराया गया। और भी कई लोगों ने ऐसे ही कई जलवे दिखाए लेकिन फिर भी अवार्ड नहीं जीत पाए। हमारी इस कैटेगरी के विनर ने बनारस में बहुत नखरे दिखाए, पहले अपने फैंस को और फिर मीडिया को इंटरव्यूज देने से मना कर दिया। यहाँ तक तो ठीक था लेकिन फिर उन्होंने अपनी फिल्म के डायरेक्टर को भी नहीं बख्शा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रानी मुखर्जी की। इस साल बॉलीवुड में ओरिजिनल कहानियों का इतना अकाल पड़ा था कि बेचारे निर्माता निर्देशकों को कहानी चोरी करनी पड़ी। अच्छा ठीक है, इस बात की तो अब ऑडियंस को शायद आदत पड़ गई है, लेकिन हिट फिल्म की फ्लॉप कॉपी बनाना भी एक कला है। और इस खेल की सबसे बड़ी कलाकार का अवार्ड जाता है पूजा भट्ट को फॉर हर मास्टरपीस हॉलीडे। इसे देखने के बाद आप सबको एक हॉलीडे की जरूरत पड़ेगी। हमारी अगली कैटेगरी है वर्स्ट लॉन्च ऑफ द ईयर। इस कैटेगरी में पिछले साल हमारे विनर थे राम गोपाल वर्मा, जिन्होंने बेचारे मोहित अलावत को जेल्स में लॉन्च किया था, एक्चुअली लॉन्च करने की कोशिश की थी। और राम गोपाल वर्मा इतने ब्रिलियंट हैं कि ये अवार्ड उन्होंने इस साल भी अपने हाथों से नहीं जाने दिया विद हिज माइंड ब्लोइंग शिवा। सो द वर्स्ट रीलॉन्च ऑफ द ईयर अवार्ड गोज टू राम गोपाल वर्मा। और हमारा आखिरी अवार्ड है वर्स्ट हेयर स्टाइल। इस अवार्ड के लिए भी तीन एक्ट्रेसेस के बीच कंपटीशन चल रही है, किम शर्मा, आयशा ताकिया और अनुषा दांडेकर, और तीनों का हेयर स्टाइल भी सेम है। वैसे तो किम का कहना था कि आयशा ने उनकी स्टाइल चुराई है और इसी वजह से ये अवार्ड हम किम को देना चाहते हैं। वैसे भी ये आपका पहला अवार्ड है ना? इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, पर जाते जाते हम आपसे ये वादा जरूर करते जाएंगे कि अगले साल हम इससे भी वर्स्ट नॉमिनेशन लेकर आपके सामने आने वाले हैं।